लास्ट तुम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया था, है ना, कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। आज ड्यूअल नेचर का लास्ट लेक्चर, मतलब दूसरा है और ख़त्म है। दो टॉपिक में ही खत्म है, मैटर वेव्स का टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, तो मैटर वेव्स होती क्या है, किसे कहते हैं मैटर वेव्स? हाँ भाई, मैटर क्या होता है? सही बात है। तो मैटर वेव्स वे वेव्स होती है। जब हम 11th में थे, वेव्स पढ़ रहे थे, तीन पढ़ी थी, उनमें एक टाइप मैटर वेव था, मैंने बताया था बेटा इसे तुम 12th में पढ़ोगे। तो मैटर वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जो मूविंग पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस कराई जाती हैं। मीन जब पार्टिकल मूव करता है, चलता है, दौड़ता है, भागता है, तो यार कुछ ना कुछ उसका रास्ता बनता होगा, वो जो रास्ता बनता है वो मैटर वेव्स कहलाती है। मीन द वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स, द वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द व्हाट, मूविंग पार्टिकल्स। जो मूविंग पार्टिकल्स से जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, हम उनको क्या कहते हैं? मैटर वेव्स कहते हैं। इनके बारे में डी ब्रॉगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। डी ब्रॉगली नाम तो सुना होगा, बढ़िया आदमी था। तो मैटर वेव्स के लिए उसने अपने डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दी थी। तो वो थोड़ी सी हाइपोथेसिस हम लोग डी ब्रॉगली की समझ लेते हैं। देखो, मैटर वेव्स क्या है? जो मूविंग पार्टिकल्स एसोसिएट करते हैं। तो फॉर फोटॉन्स के लिए बात कर लेते हैं, किसी भी पार्टिकल के लिए बात कर लेते हैं। तो वी हैव एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? इक्वल एच न्यू होता है। इसको मैं कह सकता हूँ एच सी बाई लैम्डा। आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी थी हमने, मास एनर्जी इक्वेशन, इक्वल एम सी स्क्वायर पढ़ी थी। तो अगर मास एनर्जी इक्वेशन इक्वल एम सी स्क्वायर पढ़ी है, तो एच सी बाई लैम्डा इक्वल एम सी स्क्वायर पुट कर दो। तो एच सी बाई लैम्डा इक्वल क्या आ गया? एक कट गया, लैम्डा इक्वल क्या आ गया? एच अपॉन एम सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन कैसे चलता है? स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि जो हमारी सी है वही वी है, वेलोसिटी को मैं वी कह दूँ, तो क्या लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी हो जाएगा? होगा नहीं होगा। एम वी क्या होता है? मोमेंटम। एक तो फॉर्मूला आपको मिल गया लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लो, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो बी इक्वल क्या आएगा? टू के अपॉन एम का अंडर रूट, यहाँ पे वैल्यू पुट करो बी की जगह, अंडर रूट टू के बाई एम। आएगा नहीं आएगा पहले, हाँ या ना बोलो। तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा एच अपॉन एम इंटू टू के अपॉन एम। एक एम से एम कटेगा, एम अंदर हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल आ जाता है एच अपॉन अंडर रूट टू के एम। बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक। अगर मैं और ध्यान से पढ़ूँ तो कल की क्लास में लास्ट हमने पढ़ लिया था के इक्वल होता है ई वी होता है, ई वी कहूँ या क्यू वी कह दूँ, तो इसकी जगह अगर मैं क्यू वी पुट करूँ तो लैम्डा इक्वल क्या मिलता है मुझे? एच अपॉन अंडर रूट टू क्यू वी एम। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो हाँ, क्यू चार्ज है। फॉर फोटोन कह सकते हो, फॉर एनी पार्टिकल कह सकते हो, जो भी पार्टिकल होगा। हाइपोथेसिस है उसकी पार्टिकल के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए। अगर वोल्टेज गिवन है तो वेवलेंथ ऐसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो वेवलेंथ ऐसे निकालोगे, मास और वेलोसिटी गिवन है तो वेवलेंथ ऐसे निकालोगे। तो पहली बात, तो डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैटर वेव्स की फार्मूला दिया। पहला फार्मूला आपको क्या मिला? लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी। दूसरा फार्मूला आपके पास क्या आया? लैम्डा इक्वल एच अपॉन अंडर रूट टू के एम। तीसरा फार्मूला क्या आया? लैम्डा इक्वल एच अपॉन अंडर रूट टू क्यू वी एम। पवित्र बात समझ में आ गई। अब एक बात तो मुझे बताओ, यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से मान लो इफ V जीरो हो जाए, मैं इस वाले V की बात नहीं कर रहा, इस वाले V की बात कर रहा हूँ। ये वोल्टेज है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा, इसको स्मॉल V कह लो ऐसे, ठीक है। मान लो स्मॉल V क्या है हमारे पास? जीरो है, वोल्टेज जीरो है। अगर वोल्टेज जीरो, सॉरी वेलोसिटी जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो लैम्डा कितना होगा? देख के बताओ।
समथिंग अपॉन जीरो कितना होता है इनफाइनाइट, लैम्डा इक्वल इनफाइनाइट आ गया। व्हाट डज इट मीन, इसका वाला चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसकी वेव लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब वेव बनाएगा ही नहीं। तो वेव बनने के लिए चार्ज पार्टिकल का किस में होना जरूरी है, मोशन में होना जरूरी है, चार्ज का मूविंग स्टेट में होना जरूरी है अगर आपको वेव बनानी है। तो कहाँ है भाई, वेवलेंथ ही नहीं है ना उसके पास। तो वेवलेंथ मैटर वेव्स कब बनेंगी, जब चार्ज पार्टिकल मूविंग स्टेट में होगा या मोशन में होगा। बात समझ में आई नहीं आई, पहले बताओ, नोट करोगे इसको, कर लो फटाफट नोट करो, अरे फोटो खींच लो, नोट कर लो एक ही बार, या है तो बाकी नोट्स में तो गिवन है ना, ऐसे नोट करते हैं करोगे, अरे लिख लोगे यार, नोट्स में तो मैं दे रखा है, लिख लाना तुम आराम से, अब कहाँ टाइम वेस्ट कराओगे। अच्छा ये किसी भी पार्टिकल के लिए है, अगर मैं पार्टिकल से हट के बात करूँ, पर्टिकुलर केस लूँ फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए लूँ, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो देखो भैया ये फार्मूला देखो, ये थोड़ी सी अच्छी बात है, ये एच अपॉन अंडर रूट टू क्यू वी एम है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, बहुत बढ़िया, मास कितना होता है, ये भी समझदारी का परिचय। तो लैम्डा पुट करो, एच कितना होता है, माइनस 34 अपॉन 2 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 इंटू वी इंटू 9.1 10 की पावर माइनस 31। इसको सॉल्व करो, वी को स्पीड ऑफ लाइट लिखते नहीं, पोटेंशियल है स्पीड ऑफ लाइट, ये वाले वी की बात कर रहा हूँ। इसको जब तुम सॉल्व करोगे इतना, तो तुम देखते हो कि तुम्हारे पास ये मिलेगा 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी। रट लेना, इलेक्ट्रॉन के लिए सीधी वेवलेंथ आती है 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी। वोल्टेज वो देगा कितना है, ठीक है, जो भी वोल्टेज देगा यहाँ पे। अच्छा ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए केस है, अगर प्रोटॉन आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल आ जाएगा, तो उनके लिए फॉर्मूले रखोगे, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, चैप्टर खत्म, और क्या, चैप्टर की थ्योरी खत्म, इतना ही था इस बार जो तुम्हारा डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, इतना ही है। डीप में जाके पढ़ाते तो मैं दसवीं दिन ट्वेल्थ लेक्चर ही पढ़ाता रहता, एक्सीडेंट भी तो होता है, सब बाहर है। तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है ना, हट गया है ना, हाँ बता देना, सेम ही है जो जो कट, नोट कर लो, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर उठाते हैं क्वेश्चंस अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आपको कितनी मिल गई, 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी, क्लियर, समझ में आ गया होगा, हाँ जी भैया, नहीं आया, चलो अच्छा कुछ बातें सीखो पहले, पहले क्वेश्चन नंबर सीधा समझो आप 14th, ये रुको 14 से पहले क्वेश्चन नंबर 12 निकालो, 12 या 11 एक ही बात है, वन मार्कर लक अच्छा होगा तो लग जाएगा, अच्छा चाहे क्वेश्चन नंबर 12 करो चाहे क्वेश्चन नंबर 11 करो, मैं क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहा हूँ, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 1.5 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 1.5 वोल्ट, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना, के चाहिए। अच्छा ऐसा क्वेश्चन जब भी तुम्हारे पास आ जाए, एक ही टेक्निक है समझने के, इक्वल मैंने तुमको क्या पढ़ा रहे हैं, ईवी नॉट, कल पहला पढ़ाया था, आपको कुछ नहीं करना, E अपनी जगह V नॉट की जगह 1.5 भी रख दो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म सवाल, आंसर आ गया, यही है आंसर आ गया। अगर आपको वोल्टेज गिवन है,
ई लगा दो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गया तो ई हटा दो वोल्टेज हो जाएगा। जैसे उल्टा क्वेश्चन देख लो 11th, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कितना है? 3 eV। क्या चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आप कितना आ जाएगा? 3 वोल्ट। सीधा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो। आया समझ नहीं आया भाई? के इक्वल क्या होता है? ईवी होता है ना, ईवी नॉट। के की जगह मैंने कितना रखा? 3 eV इक्वल ईवी नॉट। ई से ई कट गया, वी नॉट कितना आ गया? तो अच्छा, कल मैंने कुछ वर्क फंक्शंस के क्वेश्चन बोले थे करने को, शायद कर लिए होंगे। तो वर्क फंक्शन की टेक्निक क्या थी निकालने की, बताओ? हाँ, वेवलेंथ गिवन होती थी आपको, वर्क फंक्शन देता था, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा नहीं होगा, क्या करते थे आप? उसके पहले वो पहले ज्यादा वाला करते थे, एनर्जी निकालते थे पहले। पढ़ रहा है, अच्छा है, झटका लग के पढ़ाई होती है। हाँ, थोड़ा सा झटका लगना चाहिए, पढ़ाई अपने आप होती है, ठोकर खाओ तो पढ़ाई होगी। देखो बेटा, बहुत कम टाइम बचा, यह सच्चाई है, बहुत कम टाइम बचा है। अभी भी तुम टॉपिक वाइज चीज़ें अगर कर लोगे, अपने आप को टाइम मेंटेन कर लोगे तो काम हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल बात पूछता हूँ, मार्क्स क्यों नहीं आते तुम्हारे? बिल्कुल सही बात, एंड टाइम में पढ़ते हो, और क्या कमी रहती? चलो तुम ही बताओ, ये किसने बता दिया कि एकदम वन डे बिफोर जिसको बोलते हैं पढ़ाई शुरू करते हैं, दे आते हैं एग्जाम, आ गया नंबर, और क्या हो सकता है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस, रिवीजन में कह सकता हूँ इस बात को, रिवीजन नहीं हो पाता। और क्या सिचुएशन आती है? कंसंट्रेशन नहीं बनती, बिल्कुल। कंसंट्रेशन के कारण क्या हो सकते हैं? डिस्ट्रैक्शन। और क्या हो सकता है? डिस्ट्रैक्शन के कॉज क्या है? अच्छा बताओ, मोबाइल। और बताओ, हाँ सही कह रहा हूँ, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, और गर्ल्स को बॉयज पे, बॉयज को गर्ल्स पे, और स्कूल कैसे डालेगा भाई पढ़ाई में दखल? और क्या हो सकता है? गलत संगत। और क्या हो सकती है? ना लायक हो। जब एक बात बताओ, तुम्हें सब कुछ पता है, है? तुम्हें सब पता है कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मैं एक दिन पहले पढ़ता हूँ, मैं गलत संगत में हूँ, मैं डिस्ट्रैक्शन में हूँ, तो भी यही नहीं हट रहा जिंदगी से, और रिवीजन भी नहीं हो रहा। मतलब सब जानते हैं, देखो सबने एक एक बात बता दी कि भाई ये प्रॉब्लम हो, मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, देखो मिश्रा जी की आंख सूज गई मोबाइल देखते देखते। हाँ वही, मतलब तो सिचुएशन इतनी बुरी है, लेकिन तब भी पढ़ेंगे नहीं हम, पढ़ेंगे एक दिन पहले, साला रिकॉर्ड नहीं तोड़ना। रिकॉर्ड बना के रखा है स्कूल लाइफ का, रिकॉर्ड। बीच में ये रूटीन बनता है, एक दिन पता नहीं कैसे खराब हो जाता है वो मेरा रूटीन। बीच में बता रहा हूँ ना, झटका लगता है, घर वाले तोड़ते हैं, रूटीन तेरा बन जाता है। उसके बाद करंट रहता है, ठीक है भाई, करंट कुछ दिन ही तो रहेगा, बैटरी का चार्ज खत्म, करंट खत्म, उसके बाद फिर तोड़ाई खत्म। बैटरी लो है इनकी, ये सिचुएशंस गड़बड़ है, इनको पढ़ाई पे कन्वर्ट करो। देखो सब कुछ तुमने बताया है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसके बावजूद हालात हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं, बाकी सब कर लेंगे। चलो अच्छा, क्वेश्चन देखो, कौन से नंबर पे आ गए हम? 11-12 हो गए, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो, पहले तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझने हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इफ द काइनेटिक एनर्जी इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या निकालना है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे तुमको फायदा मिल गया, क्वेश्चन में देखो पर्टिकुलर पार्टिकल का नाम दिया है, क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, हाँ, अब इलेक्ट्रॉन कह दिया तो तुमने कैलकुलेशन सही तो रट रखा है। तुमने कैलकुलेशन सही, तुमने इलेक्ट्रॉन वाले लैम्डा को क्या रट रखा है? फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली है? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं कहता तो पूरा सॉल्व करते, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं कहता तो हम पूरा सॉल्व करते, ध्यान रखना वो वाला फॉर्मूला लगा के एच अपॉन अंडर रूट 2mev करते, यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोल दिया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी गिवन है वोल्टेज में है रूट में, तो मैं काइनेटिक एनर्जी से वोल्टेज निकाल लूंगा, वोल्टेज कितना मिल जाएगा मुझे बताओ? काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वोल्टेज कितना होगा?
अरे अभी बताया है, 100 वोल्ट नहीं हो जाएगा बताओ भाई। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे मैं तुमसे वोल्टेज कितना होगा तुमने बता दिया 100 वोल्ट होगा। ई काट देना है, ई जहां मिले काट दो, जिंदगी सुधर जाएगी बेटा। ई मतलब समझ रहे हो? अच्छा अब एक्सपोनेंट 12। हाँ एक्सपोनेंट, शुक्ला जी हैं गजब के इंसान है। 100 का कितना होता है? 10। 10 का मतलब एक रूट उधर चला जाएगा तो 1.227 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा था, आंसर समझ में आ गया। ठीक मीटर में रखा था, नहीं यहीं छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर में तो फिर इनको माइनस 9 करना है। अगले क्वेश्चन में 13th क्वेश्चन पे आओ। हो गया ये? फॉर वॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन? क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी किसकी है? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का चार्ज मास अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो लिख लेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है 1.32 × 10⁻¹⁰ मीटर। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 × 10⁻²⁷ kg एंड h की वैल्यू तुमको दे रखी है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। पंखा बंद कर दो। अच्छा अब क्या कह रहा है क्वेश्चन तुमसे? क्या निकालना है हमको? लैम्डा निकालना है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0 होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पूछा तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वोल्टेज वाला नहीं लगा सकते। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी की टर्म में मैंने फॉर्मूला क्या लिख पाया? लैम्डा इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2 km कराए। वो 12.27 सबका मास अलग अलग नहीं होता? हाँ निकाल लो, याद कर लो। लेकिन सबका निकालोगे तो अब इसके लिए तो केवल इतना ही है, तो इसके अपॉन में के रहेगा भाई। न्यूट्रॉन में तो होता ही नहीं ना चार्ज, तो न्यूट्रॉन में तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में आंसर निकलेगा, अब बाकी में चार्ज में निकलेगा। हाँ तो अब यहाँ से क्या निकला बताओ? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, लैम्डा स्क्वायर इक्वल क्या जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन 2 km आएगा। के इक्वल क्या जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन 2 m लैम्डा स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना आंसर आ जाएगा। लगा लोगे? अरे यार हाँ ना, सॉल्व कर लेना तुमको खुद। सॉल्व कर लोगे? ठीक है। अच्छा तुम्हारे लिए एक टास्क है, क्वेश्चन नंबर नोट करो, इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आज रात 10 बजे तक। डाल दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मुझे पता तो चलेगा हाँ तुमने कर लिया, या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देना। चलो कोई बात नहीं, कर लोगे आंसर कर लोगे। अगला क्वेश्चन 14th हो गया, 15th के फर्स्ट पे आओ। इसी का भेजना है 13th का, 15th का फर्स्ट देखो। फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतनी? सेम क्वेश्चन है, पढ़ के देख लो। सेम क्वेश्चन है, यही हो जाएगा फॉर्मूला, सेम लगेगा। अगले पे आओ। Also find the de Broglie wavelength of neutron in the thermal equilibrium with matter having the average kinetic energy 3/2 kT at 300 Kelvin. सुन लो, kinetic energy कितनी की बने? 3/2 kT। यहाँ पे K क्या है? Boltzmann constant। T आपको कितना दे रखा है? 300। तो सुनो, Boltzmann constant और temperature की value रख के आपको kinetic energy मिल गई। अरे यार K equal 3/2 kT की बने सवाल में, नहीं की बने? T 300 Kelvin की बने। Boltzmann constant की value आपको पता है? बोल्ट्समैन कांस्टेंट नहीं पता। गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर पढ़ाया था, तो वहां से आप के निकाल लोगे, इस पे वैल्यू पुट कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। हाँ या ना बोलो? काइनेटिक एनर्जी मिल गई जैसे ही, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख देना, लैम्डा आ जाएगा। बताओ सवाल हो गया? के इस फॉर्मूले से आपको निकालना है, इस पे रखना है, मास आपको पता है, लैम्डा मिल जाए। 15th क्वेश्चन में टिक करो, आप कर लोगे। बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट केटी है,
केबी होता है टी टेम्परेचर, यहाँ पे 300 केल्विन गिवन है। ये दरवाजा काइनेटिक एनर्जी है, उधर वन बोल्ट, ये है ना बोल्ट्समैन कांस्टेंट, तो ये वाला नहीं, ये वाला भाई पता कैसे लगा कि बोल्ट्समैन कांस्टेंट है? अरे फार्मूला नहीं होता क्या? 11th में पढ़ा नहीं है क्या थर्मल में? अगला क्वेश्चन देखो, अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा क्वेश्चन है ये, कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। क्वेश्चन ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे। इसकी वर्कशीट कर लेना पूरी, लास्ट ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं इसमें, ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी कर लेना, डुअल लेक्चर तुम्हारा आज से खत्म हो जाएगा आज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे या वेव ऑप्टिक शुरू कराओगे? वेव कर लेंगे, चलो ठीक है। 16 नंबर पे आओ, कह रहा है अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, अप्रॉक्स दे रखी है 10^-10 मीटर, लगभग मतलब वेवलेंथ दोनों की सेम दे रखी है। तो वेवलेंथ अगर सेम दे रखी है, फोटोन है हमारे पास और क्या है इलेक्ट्रॉन है, और एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमें निकालना क्या है, कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, यही तो चाहिए ठीक। तो चलो पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/2 mv² होता है पक्का, यहां से कुछ बन सकता है, और फोटोन, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एच न्यू या HC/λ। तो आप इसको भी लैम्डा की टर्म्स में कहीं से ले आओ। अब मुझे ये बताओ कल से लेके आज तक की नॉलेज में कि 1/2 mv² अगर हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है इसकी, तो सीधा सीधा v की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? सोच समझ के जवाब देना। सी यूज करेंगे। अच्छा इलेक्ट्रॉन को भी तुम स्पीड ऑफ लाइट से भगा दो। सोचना शुरू हो गया इन सबका। लैम्डा की टर्म में निकालना है ना, सेम वेवलेंथ गिवन है, तो मैं कह रहा हूं चलो के को चेंज कर लो तुम लैम्डा की टर्म में। के और लैम्डा में कोई रिलेशन पढ़ाया है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का के और लैम्डा में रिलेशन है, लैम्डा इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2 mk, पढ़ा है? हाँ, अब याद आ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हो तो लैम्डा तुम्हारा फंस जाएगा यार, आपको लैम्डा ही तो हटाना है ना। तो एक काम करो, इस लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दो, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल क्या आ जाएगा, HC/λ, सॉरी लैम्डा की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, H/√2 mk आ जाएगा। यहां से क्या इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन है और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे, हो गया कंपेयर भाई, लैम्डा कैंसिल आउट हो गया ना, दोनों सेम थे, वैल्यूज हट गई, HH कट जाएगा, वैल्यू टर्म में आ जाएगी खत्म, उसको सॉल्व कर देना। एक तरीका तो ये है, दूसरा यहीं से एलिमिनेट कर लो के की वैल्यू, वहां से निकाल लो, ठीक है, दोनों चीजें एक ही हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे सवाल में क्या होगा, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा बस। अच्छा कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, सेम वेवलेंथ है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, सेम वेवलेंथ है,
किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? फॉर्मूला सेम लगाओगे। अब मैं तुमको एक चीज़ एक दो चीज़ें समझाऊँ। सबसे पहले तो ये लैम्डा इक्वल एच अपॉन अंडर रूट टू एम के होता है। तो मैं अगर देख रहा हूँ कि इफ के इज सेम तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एम दिख रहा है, दिख रहा है? जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा, जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा। तो अब अगर क्वेश्चन कहता कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो किस की वेवलेंथ ज़्यादा होगी? बताओ क्यों? माइनस में किसका कम हुआ मास? इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा। अरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में तो इलेक्ट्रॉन हल्का होता है ना यार, इतनी भी बेसिक मत जाओ। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा हो गई? इलेक्ट्रॉन की। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है सेम काइनेटिक एनर्जी है तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा? इलेक्ट्रॉन की। अब मैं कहता हूँ सेम वेवलेंथ है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा? प्रोटॉन की। सेम ऐसे ही आओ ना, लैम्डा स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन टू एम के। तो के इक्वल क्या आ गया? एच स्क्वायर अपॉन टू एम लैम्डा स्क्वायर। फॉर सेम लैम्डा के प्रोपोर्शनल भी वन बाई एम आएगा। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा? इलेक्ट्रॉन की। सेम वेवलेंथ है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा? इलेक्ट्रॉन की। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ या ना बोलते रहो। तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस तुमसे सारे हो जाएंगे। जैसे 19th क्वेश्चन देखो, अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ्स। सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, वेवलेंथ भी कांस्टेंट है अगर पूछा है तो। अब ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस में लैम्डा का फॉर्मूला क्या पढ़ाया मैंने? एच अपॉन अंडर रूट टू बोलो एम क्यू वी पढ़ाया है, ये पढ़ा हमने फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 19 जैसे डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? अल्फा एंड प्रोटॉन, एक तो अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में क्या रिलेशन होता है? चार्ज ऑफ अल्फा होता है ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ अल्फा होता है फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। 2He4 चैप्टर 1 में हम लोगों ने इस बात को खत्म कर लिया था। अच्छा क्वेश्चन ने क्या कहा? वी क्या है हमारे पास? सेम है, वी सेम है ना। अरे यार बोल ही नहीं रहे, बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या कह रहा है? अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। वी की वैल्यू क्या है? सेम है। तो अगर वी की वैल्यू सेम है तो मैं यहाँ पे एम और क्यू में डिस्कस कर लूंगा। लैम्डा पी क्या आ जाएगा? एच अपॉन अंडर रूट टू एम पी क्यू पी वी। लैम्डा अल्फा क्या आ जाएगा? एच अपॉन अंडर रूट टू एम अल्फा क्यू अल्फा वी आएगा। दोनों की वेवलेंथ डिवाइड करनी है ना, किस किस के साथ करना है? पहले कौन है? प्रोटॉन है ठीक। लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा निकालना है। एच अपॉन अंडर रूट टू एम पी क्यू पी वी, एच अपॉन अंडर रूट टू एम अल्फा क्यू अल्फा वी। ये सब कट गए, ये ऊपर जाएगा। लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा अंडर रूट एम अल्फा क्यू अल्फा एम पी क्यू पी आएगा। वैल्यूज पुट करो, एम अल्फा की जगह 4MP, क्यू अल्फा की जगह 2QP, MP अपनी जगह QP अपनी जगह, QP से QP कैंसिल, MP से MP कैंसिल। लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा क्या जाएगा? अंडर रूट 8 टू रूट 2 है ना, खत्म। समझ में आ गया? रूट 8 1 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा ग्रेटर देन 1 आ गया, तो लैम्डा पी बड़ा हो गया, लैम्डा अल्फा छोटा हो गया। अल्फा की वेवलेंथ छोटी होगी, प्रोटॉन की वेवलेंथ बड़ी होगी। नोट कर लो क्वेश्चन। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, भी आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द टू हैज वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ। ये क्वेश्चन करा रखे हैं ना तुमको सारे, तो ये तुम देखोगे तुमको एक्सरसाइज से क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे इस टाइप के। आप सॉल्व करेंगे, जो भी डाउट होता है तुम्हारे पास उस डाउट का पास ले आओगे। ड्यूअल नेचर तुम्हारा वेल कंप्लीट हुआ, ठीक है? इसको नोट कर लो। ओके बेटा।